दोस्तों, आज का इस वीडियो पे मैं पूरा प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे आप अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियोस को अपलोड कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे शॉर्ट क्रिएटर भी हैं जो शॉर्ट वीडियोस तो क्रिएट कर लेते हैं लेकिन कैसे अपलोड करें एंड कहां से अपलोड करें शॉर्ट वीडियोस को, इस पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो पर अगर दोस्तों आप लोग पूरा प्रॉपर देख लोगे ना, तो पूरा प्रॉपर मैं बता भी दूंगा कि कैसे आप कहां से अपने शॉर्ट वीडियोस को अपलोड कर सकते हो एंड पूरा बारीकी से बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा डिटेल्स आप बता दें कि कैसे आप अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने फोन का स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर लेता हूँ एंड इस साइड पर दोस्तों आप लोग को देखने को मिल जाए, ठीक है। पूरा प्रॉपर मैं बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने अपने फोन पर स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर लिया है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यूट्यूब पर अपने चैनल को ओपन कर लेना है। दोस्तों ये मैंने अपने यूट्यूब को ओपन कर लिया है, अपने चैनल को भी ओपन कर लिया, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, मतलब क्रिएट ए शॉर्ट, तो इस पर आपको क्लिक नहीं करना है क्योंकि दोस्तों आपने पूरा प्रॉपर बना करके मतलब अपने वीडियोस को बना करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड है वीडियो पे आपको क्लिक करना है एंड दोस्तों आपने जिस वीडियो को बना करके रखा है उसको आपको ले लेना है, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने अपने वीडियोस को ले लिया एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने में दोस्तों अगर आप कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, जैसे कि साउंड को ऐड करना चाहते हो तो ले सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन है। टेक्स्ट का कोई भी चाहे आप लिखना चाहते हो वह भी इसका ऑप्शन है, आप कुछ भी लिख सकते हो एंड वॉइस ओवर करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन है, आप वॉइस ओवर भी कर सकते हो। टाइमलाइन भी अगर लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, फिल्टर भी लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, यहाँ पे सारा चीज़ का ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों मैंने अपने वीडियोज़ को पूरा प्रॉपर रेडी कर लिया है, तो मेरे को कुछ ज़्यादा इसमें कुछ ऐड करना जरूरी है, मतलब ऐड करना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आपका टाइटल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप टाइटल लगा सकते हो, जो भी आप टाइटल लिखना चाहते हो तो वो दोस्तों आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल पे आपको लॉन्ग मतलब आप जो भी टाइटल लिखना चाहते हो लिख लेना, जैसे कि इस टाइटल को जैसे मैंने लिखा था इसको पेस्ट कर दूँ, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों इतना करने के बाद आपको अपलोड शॉर्ट पे क्लिक कर देना, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग वीडियो की तरह यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड शॉर्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये अपलोड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। एंड यहाँ जैसे ही अपलोड हो रहा है दोस्तों, अभी अपलोड होने देते हैं, वाइट स्टूडियो पे जाकर के मैं इस वीडियो का पूरा प्रॉपर काम कर लेता हूँ, जो भी ऐसे टाइप में काम है मैं इसमें कर लेता हूँ, ठीक है। वीडियो पे आपको क्लिक कर लिया दोस्तों, अपने वाइट स्टूडियो को ओपन कर लिया। इतना करने के बाद दोस्तों क्या करना है, अपने को उस वीडियो पे चले जाना है जिस वीडियो को मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों ये मेरा वर्ड करना चाहिए जिसको मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। इतना इसको पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे करने का दोस्तों आपको इसका ऑप्शन आता है एड डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है, लॉन्ग प्रेस करके दोस्तों आपको क्या करना है पेस्ट कर देना है, क्योंकि आपने जो टाइटल लिखा है उसी को आपको डिस्क्रिप्शन पे लगाना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इतना करने का दोस्तों आपको टैग्स अगर लगाना चाहते हो टैग्स पे क्लिक करना है, ज्यादा वही टैग मैं अभी इस पे लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने लगा दिया, ये भी लग चुका है, नेक्स्ट सेव पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, अब आपको डिस्क्रिप्शन लगाना है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है। आप दोस्तों अगर डिस्क्रिप्शन अगर कोई वीडियो पे बना करके रखे हुए हो, कोई मतलब एक्सपेंसिव अगर आप डिस्क्रिप्शन बना करके रखे हुए हो, लिखे हुए हो उसमें काफी एक्स्ट्रा चीज, तो अगर आप डिज़ाइन करके रखे हुए हो तो उसी चीज़ को अगर उसी डिस्क्रिप्शन को आप हर एक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, या नहीं तो इसका अलग भी आप बना सकते हो। तो दोस्तों मैं कुछ अलग करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को जो डिस्क्रिप्शन मैंने बना करके रखा हुआ है उसी को मैं इस वीडियो पर यूज़ करने वाला हूँ। आप भी अगर बनाना चाहते हो बना लेना डायरेक्ट, या फिर नहीं बनाना है किसी और वीडियो का कॉपी करना है तो इस तरह कॉपी करना है। जैसे कि मेरे को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है एंड यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे जाना है, डिस्क्रिप्शन पे जाना है, जहाँ तक आपको कॉपी करना है वहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने इसको कॉपी कर लिया है, इसको कॉपी करने का दोस्तों आपको बैक आना है, बैक आने का दोस्तों उसी वीडियो पर चले जाना जिसमें आपको पेस्ट करना है जो अभी आपने अपलोड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आने का डिस्क्रिप्शन पे जाना है एंड क्लिक करना है, क्लिक करने का दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे करके इसको पेस्ट कर देना है। तो देख सकते हो दोस्तों ये मेरा लग चुका है एंड सेव पे क्लिक कर देना है एंड देख सकते हो ये आसानी से अब ये अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये मतलब अपलोड हो चुका है, ठीक है, ये 100% अपलोड हो चुका है दोस्तों, ये अनलिस्टेड पे है अभी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको अब टैग्स लगाना है, ठीक है। टैग्स फिर यहाँ पे लगाने के लिए क्या करना है, आपको उसी वीडियो पे जाना है, पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको टैग्स शॉर्ट रिमिक्सिंग कैटेगरीज एंड मोर इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारा ऑप्शन है दोस्तों जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप टैग्स लगाना चाहते हो किस तरीके का आप टैग लगा रहे हो, मतलब कि क्या आपका वीडियो में है उस तरीके का आप यहाँ पे टैग्स लगा सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे जिस चीज़ के बारे में मैंने बताया इस वीडियो पे मैं वे वाला टैग लगाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने अपने मतलब वीडियो से रिलेटेड सारा टैग्स को लगा दिया हूँ एंड दोस्तों आप सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आप अपने मतलब वीडियो का कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जिस भी कैटेगरी पे आपका वीडियो आता है वही कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि यहाँ पे मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लिया है। अगर दोस्तों ये वीडियो मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हट करके है तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा एंड जो भी मेरा कैटेगरी है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो दोस्तों मेरा जो है वह सही है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर कमेंट बॉक्स अगर आप होल्ड करना चाहते हो या फिर अलाउ करना चाहते हो, जैसे भी आप रखना चाहते हो उसको रख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने होल्ड ऑल
रिव्यू कमेंट को यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि मेरे को कमेंट्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ एंड बैक आ जाना, ठीक है। एंड दोस्तों आपको लाइक एंड डिसलाइक वाला बटन अगर आप शो कराना चाहते हो तो यहाँ पे टिक पे टिक रहने देना। एंड दोस्तों अगर इसको शो नहीं कराना चाहते हो तो दोस्तों मेरे तो यहाँ पे अनटिक कर देना, ठीक है। तो आप इतना करने के बाद आपको बैक आना, सेव पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपका वीडियो पूरा प्रॉपर रेडी हो चुका है। अब दोस्तों इसको आप पब्लिक भी कर सकते हो। पब्लिक कैसे करना है, पैसे वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे विजिबिलिटी आपका दोस्तों अनलिस्टेड दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड पब्लिक पे क्लिक करके बैक आना है एंड सेव पे आपको क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो दोस्तों ये मेरा वीडियो पब्लिक हो चुका है। बैक आकर के मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मेरा ये वीडियो पब्लिक हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पे टाइमलाइन आ चुका है दोस्तों, यहाँ पे मेरे ये वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है एंड पब्लिक भी हो चुका है। तो इस तरह दोस्तों आप अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हो काफ़ी आसानी से। शॉर्ट वीडियो अगर आप क्लिक करते हो तो आपको मतलब शॉर्ट वीडियो अगर दोस्तों आप क्रिएट करते हो तो आप आसानी से दोस्तों सीख गए होंगे कि कैसे हम अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियोज़ को अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। यहाँ पे दोस्तों एक वीडियो आ रहा होगा, मतलब दो वीडियो आ रहा होगा, किसी एक पर क्लिक करो एंड मजे करो, ठीक है। चलिए मिलते किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।